बाल कटवाने पड़ेंगे यार, कहाँ कटवाएं, कितने बड़े बड़े हो गए। चलो दूसरा हेयर स्टाइल ट्राई करेंगे। तो मेरे प्यारे प्रिय भाइयों और सजनों, तो क्या बनाया जाए भाई, एक चीज बहुत है भाई। एक तो इंस्टा वालों ने, सच बता रहा हूँ मैं, लोगों ने परेशान कर दिया है। कोई डाल रहा है भैया हमने बनाया आज पिज्जा, कोई डाल रहा है मिसिंग चिकन हट, कोई डाल रहा है मिसिंग सिबुल का, कोई डाल रहा है फलाना ढिकड़ा। तो आज हमने सोचा आज क्यों ना थोड़ा इस पे ठोर, थोड़ा एक दो किलो इसमें ऐड किया जाए और आज बनाते हैं हम पिज्ज़ा। ये पिज्ज़ा जो भी हो, एक चीज़ तो देखनी पड़ेगी। मैं सुबह उठा और देखते क्या हिल गया कि ये मेरा फ्लैट नहीं है। नहीं नहीं, ये मेरा फ्लैट नहीं है। इतनी साफ किचन, मतलब हद है इतनी साफ किचन। कैसे, मैं तो सोच रहा था किसी और के फ्लैट में ना आ गया हूँ मैं। भैया इसको कहते हैं जो लोंडो को खाना है पिज्ज़ा, उनको पता है उनका भाई उनको पिज्ज़ा बना के खिलाएगा। तो भैया सुबह सुबह, वो भी सुबह कितने बज रहे हैं, सच बता रहा हूँ मैं, सुबह के 6 या 7 बज रखे हैं, 6:30 बज रखे हैं। किसी में देखिए मतलब इतना इतना जुनून, सुबह 6:30 बजे उठ के भैया पिज्ज़ा बना रहा है, देख रहे हो। लोंडो मेरा एहसान मानना चाहिए तुम्हें, बहन चो $500 देना चाहिए तुम्हें मेरे को। सो यहाँ पे क्या करना है, हमने लिया बोरोशनो, हमने लिया एक बाउल, कोई भी ले लो, सिरामिक कोई भी कुछ भी। तो भैया ये है देखो यीस्ट, सीधी बात, हमने पहले डाली यीस्ट, ये आधी यीस्ट पहले डाली, आधा पैकेट थोड़ा बचा लिया, बाद में काम आएगा। हमने डाली इसमें चीनी, देखो अब यीस्ट है भैया, हर किसी को जीने के लिए खाना चाहिए। माइक्रोबायो तो आप पढ़ते हैंगे, तो हमने थोड़ी इसको चीनी खिलाई। ओके, हमने इसको थोड़ा सा पानी दिया, थोड़ा सा नुआया पानी है। ओके, एंड दोबारा से पूरा पैकेट मिला दिया, ज़्यादा नहीं है यीस्ट मेरे ख्याल से, ये आई थिंक 15 ग्राम का पैकेट है, पता नहीं लिखा तो नहीं होगा, 15 ग्राम का होगा जहाँ तक है। मिला दिया, अब हम ये 1, 2, 3, 4 देख रहे हो, मतलब ये अब हम इसको रखेंगे साइड में। अब हम इसको खोलेंगे बोरोशनो। अब कई लोग सोचते होंगे मैंने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया इधर, मैंने तो सिंपल आटा लिया है। तो भैया उनके लिए मैं बता दूं, मैदे का कई बार क्या होता है, देखिए आप बाहर तो कहीं जा रहे हैं नहीं और मेरे ख्याल से इतनी तो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे होंगे, तो अगर हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे तो पेट में ज़्यादा जम जाएगा, क्रंची भी नहीं बनेगा, ऐसा क्रंची बनता है एक नंबर का। एक बात तो है कि भैया देखो बाहर मार्केट से बेस खरीद के बच्चा बच्चा पिज्ज़ा बना लेता है, मतलब असली तो बंदा वही है ना जो घर पे भी बेस बनाए, बेस भी मतलब घर पे, समझे। तो हमको आटे को लगाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ये मोलोको उफ मिल्क डाल दिया भैया, एंड ओलिया उफ ऑयल इसको भी डाल देंगे धीरे धीरे, ये धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। ओके, एंड सस्ते वाला नमक, कितना हमें भी नहीं पता कितना, बस अंदाजे से डाल देंगे जस्ट कि आप जब खाएंगे ना तो आपको बेस जो है ना, बेस के ना नमक का फील आए, टेस्ट आए एकदम थोड़ा सा। एंड इफ अगर आप मेरी तरह अमीर आदमी हैं तो ये लेके रखते हैं ऐसे ऐसे मसाले, तो आप ये डाल सकते हैं। व्हाट इज़ दिस, दिस इज गार्लिक पेस्ट, नो सॉरी गार्लिक पेस्ट नहीं, गार्लिक पाउडर जो भी है, जिसमें एक अलग सा अरोमा आएगा, देखना मज़ा आएगा। इसको देख सकते हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है बट प्रोबली आफ्टर 10 मिनट्स इट विल ब्लूम।
अब कवर करके हमें इसको रखना है एटलीस्ट एटलीस्ट मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटे तक। सर बताओ ना इसका जो असली मज़ा है, रात भर इसको वैसे बता रहा हूँ, जैसे आपको आज पिज़्ज़ा खाना है तो कल रात को बना के रख दो, सुबह पिज़्ज़ा खा लो, एक नंबर का टेस्ट आएगा, ना ज़्यादा फूला हुआ बनता है ना ज़्यादा वो बनता है मैरिनेट, मतलब टेस्ट ही अलग से आ जाता है उसका, क्रंची टाइप का ब्रेड टाइप का, जैसे सौर ब्रेड खाई आपने कभी, उस टाइप का टेस्ट आ जाता है इसका। तो मेरे चाहने वालों मैं आपको क्या बताऊं, दिस इज इसमें बनाएंगे हम पिज्जा, यस पिज्जा, और ये है हमारा ओवन। ओके सो कितने पे किया जाए, तो इसको हम डबल रोड पे कर देंगे, डबल रोड एंड मैक्स इसको हम कर लेंगे 180 डिग्री पर प्री हीट। ओके तो उससे क्या होगा ना, 180 डिग्री पे प्री हीट करने से देखो फ़ायदा क्या है, छोटा छोटा बता देता हूँ आपको। अगर हम इसको हाइपर कर देते हैं या डायरेक्ट डाल देते हैं तो ओवन कई बार गर्म नहीं होता है तो कई बार कड़क हो जाते हैं, एकदम जैसे बिस्किट नहीं बन जाते वैसे बिस्किट बन जाएगा इसका, तो इसी बात है किसी को मज़ा भी नहीं आएगा बिस्किट तो खाने के अंदर। सो अब हम क्या करेंगे, एक फोक लेंगे इसमें छेद कर देंगे, देखो इसका बहुत जरूरी है भूलना मत, बिकॉज वरना आपका ये जो बेस है फूल जाएगा एकदम, जैसे पूरी नहीं फूलती है वैसे फूल जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं। ओके सो नेक्स्ट चीज क्या है, पिज्जा सॉस। ओरिगैनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स, ये सस्ते वाला नमक डाल सकते हैं चाहे तो थोड़ा सा, देखो इसके भैया देख रहे हो खुद से पीस के, ताकत देख रहे हो बाजुओं की, राज है भैया राज। एक चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा कि भैया हमने पिज़्ज़ा में चीज़ डाल दिया सब डाल दिया, बट इसको क्रीमी कैसे बनाया, हमारा क्रीमी नहीं बनता फिर भी, ये व्हाट इज़ दिस, ये थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, देखना क्या मज़ा आएगा क्रीमी में, मेयोनीज़ है बेसिकली, क्रीमी होती है। देखो भाई ये गया अंदर, हीटेड है। अच्छा अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको अराउंड 10 से 15 मिनट तक मीडियम पे 180 तक हमने इसको करना है, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा फूल जाएगा ये, उसके बाद हमने क्या करना है एकदम से गैस 5-1 मिनट के लिए इसको हाई पर कर देंगे हम लगभग अराउंड 220 तक, तो उससे क्या होगा क्रंची हो जाएगा बेस इसका। ओके तो भैया एक बात और है कि भैया सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि भाई हमारे पास तो देखो ना ही ओवन है ना माइक्रोवेव है, हम तो रहते हैं हॉस्टल में, अरे ये साले फ्लैट वाले इतने बड़े हरामी हैं भैया, हर हमेशा हमको इतना तंग करते हैं डाल डाल के फोटो वीडियो अपने माइक्रोवेव अपने बड़े बड़े किचनों के साथ, तो अब दिखा रहे हैं हम आपको कि भाई आखिरकार फ्राई पैन में पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाए, फ्राई पैन में समझे, फ्राई पैन में। तो यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, तो देखते हैं बेसिकली क्या करना होता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है सिंपल।
तो दोस्तों कौन कहता है भाई हम तवे में पिज्ज़ा नहीं बना सकते, देखो बना दिया होगा, देखते हैं। थोड़ा गर्म है, ध्यान से छूना, चिमटे की मदद से उठाएंगे एंड हियर वी हैव आवर पिज्ज़ा, तवा पिज्ज़ा। ओके देखते हैं कैसा है, सही सिका है, ऊपर से भी सही दिख रहा है। अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, इसको थोड़ी देर में टेस्ट करते हैं। सो भाई हमने अब इतनी मेहनत करी है एंड ये बेसिकली कह सकते हो हमने ग्लूटेन फ्री पिज़्ज़ा बनाया है, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। काफ़ी वैसे हॉट है, हॉट देखते हैं। शानदार, देख सकते हो नीचे से ही पका है, ऊपर से पका है, नीचे से ही पका है। इफ आवाज़ सुनाई दे रही है तो काफ़ी क्रंची है इसका, जैसे हम चाहते थे, बाहर से क्रंची अंदर से नरम। तो दोस्तों बेसिकली एक बात है, कई लोग कहते हैं भैया इतनी मेहनत क्यों करें, हम बाहर से मंगा सकते हैं, बट मैं एक बात बताता हूँ, जब आप खुद मेहनत करके खाओगे ना तो टेस्ट ही अलग हो जाता है चीज़ का, सच बता रहा हूँ, टेस्ट एकदम बदल जाएगा। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, मतलब बेसिकली एंशियंट टाइम्स, मतलब 2019 में लोग क्या करते थे, चिकन हट, सिबुल का, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, उसमें जाके पिज़्ज़ा खाते थे कहीं पर। आज के ज़माने में आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, सो बनाओ बनाओ, खाओ, शेयर करो, लोगों की गांड जलाओ, और कुछ नहीं है।